24 फरवरी 2018 के दिन दिग्गज फिल्म अभिनेत्री श्रीदेवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। आइए इस वीडियो में जानते हैं श्रीदेवी की करियर के टॉप 10 ऐसी मूवीज के बारे में जिन्होंने उन्हें अलग पहचान दिला दी थी। सदमा। इंडियन सिनेमा के सबसे खूबसूरत अदाकारा श्रीदेवी की करियर की बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में सदमा सबसे टॉप पर है। इंग्लिश विंग्लिश। 15 सालों के गैप के बाद आई श्रीदेवी की कमबैक फिल्म इंग्लिश विंग्लिश भी उनकी करियर की बेस्ट फिल्म है। इसमें एक्ट्रेस के इंग्लिश सीखने के स्ट्रगल को लोगों ने दिल ही जीत लिया था। मिस्टर इंडिया। अनिल कपूर और श्रीदेवी की फिल्म मिस्टर इंडिया भी अदाकारा के करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही है। चांदनी। विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ आई फिल्म चांदनी उनके करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है, जिसे शायद ही कोई भूल पाया हो। चालबाज। सनी देओल और रजनीकांत के साथ आई श्रीदेवी की फिल्म चालबाज बड़ी हिट साबित हुई थी। अदाकारा ने डबल रोल में दमदार एक्टिंग से लोगों को चौंका ही दिया था। मॉम। कमबैक के बाद श्रीदेवी की फिल्म मॉम भी काफी ब्लॉकबस्टर रही थी। उनका प्रोटेक्टिव मदर का रोल देख लोगों ने दांतों तले उंगली ही दबा लिया था। लम्हे। श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म लम्हे उनकी करियर की बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शुमार है। इनमें एक्ट्रेस ने डबल रोल प्ले किया था। अदाकारा श्रीदेवी ने नगीना में नागिन का किरदार अदा किया था और खूब जमकर वाहवाही भी लूटी थी। आज तक इस फिल्म की यादें लोगों के जहन से नहीं निकल पाती है। अमिताभ बच्चन और नागार्जुन स्टारर श्रीदेवी की फिल्म खुदा गवाह भी उनके करियर की बेस्ट फिल्मों के लिस्ट में शुमार है। इसमें भी उन्होंने डबल रोल प्ले किया था और इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद भी किया गया था। गुमराह। संजय दत्त के साथ आई फिल्म श्रीदेवी की फिल्म गुमराह भी उनके करियर की बेस्ट फिल्म थी, जिसमें अदाकारा ने ड्रग एडिक्ट का रोल निभाया था। इस फिल्म में भी उनके अदाकारी की दर्शकों ने जमकर तारीफें की थी। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? श्रीदेवी के आप कितने बड़े फैन हैं और श्रीदेवी की कौन सी फिल्म आपको बेहद पसंद है? कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।